ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आजादी के बाद से पहली बार देश की जीडीपी में आई सबसे भारी गिरावट के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। जारी आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी का सूचकांक -24 पर पहुंच गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जीडीपी का -23.9% पर पहुंचना बताता है कि मोदी सरकार ने देश को बर्बादी की ओर ला दिया है। सीएम गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मुख्यमंत्री इन दिनों केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं और यह उनकी आदत भी बन चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार गिरती जीडीपी को लेकर कोई स्टेप नहीं उठा रही है। आजादी के बाद पहली बार भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सीएम गहलोत ने कहा कि जीडीपी का -23.9% पर पहुंचना बताता है कि मोदी सरकार ने देश को बर्बादी की ओर ला दिया है। देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से डूब रही है, लेकिन एनडीए सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। मोदी सरकार द्वारा सभी सुझावों चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार की अक्षमता के कारण लोग पीड़ित हैं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि यह सबसे अधिक चिंताजनक है कि अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है। निर्माण और विनिर्माण अप्रैल जून में क्रमशः 50% और 39% से अधिक सिकुड़ गया, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 47% का संकुचन दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री गहलोत के ट्वीट के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वैश्विक मंदी के कारण देश की जीडीपी ग्रोथ में कुछ गिरावट आई है, लेकिन इसे कोरोना काल के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पूनिया ने कहा कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मुख्यमंत्री इन दिनों केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं और यह उनकी आदत भी बन चुका है। मुख्यमंत्री फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं। पूनिया ने आगे कहा कि कोरोना के दौर में भी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिशें लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हुई हैं। पूनिया ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है, ऐसे में केंद्र सरकार को थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। सतीश पूनिया ने कहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भारत की अर्थव्यवस्था में काफी संभावनाएं देखता है। IMF ने अनुमान जताया है कि अगर हालात सामान्य रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही रिवाइव भी होगी। पूनिया ने साल 2021 में हालात अच्छे होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि देश बड़ा है और चुनौतियां भी बड़ी हैं। ऐसे में कोरोना काल के बीच भी सरकार ने बुनियादी विकास और उससे आगे बढ़कर भी काफी अच्छा काम किया है। पूनिया ने कहा कि केंद्र में कई साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उस दौर में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर हालात ज्यादा विकट थे। सतीश पूनिया ने कहा कि इस समय कोरोना भी देश के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे समय में सरकार की तरफ से जारी 20 लाख करोड़ का पैकेज भी नजरअंदाज करना कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। पूनिया ने केंद्र के वित्तीय प्रबंधन को कारगर और सफल बताते हुए कहा कि अभी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी होने के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट दर्ज की गई है और हालात ठीक होते ही अर्थव्यवस्था पटरी पर जल्द लौटेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।